वो अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पर चलते हुए फिर इस अरब की सरजमीन से उन्होंने तौहीद की दावत को बुलंद किया। इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह आए और उन्होंने भी उसी दावत की तजदीद की, उसी ला इलाहा इल्लल्लाह की खरी दावत को पेश किया। इस दावत की बुनियाद पर قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين बंदा झुके तो अल्लाह के लिए, नमाज तो अल्लाह के लिए, रुकू तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए क़याम, अल्लाह के लिए। आजज़ी और इंकसारी बंदे को लाजिम है कि वो एक अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए करे। الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد मालिक अज़्ज़ा वजल का एहसान है हम मुसलमानों पर कि अल्लाह मालिक गाहे बगाहे इस उम्मत के लिए इसके दीन की तजदीद करने वाले इंसान को रवाना करता रहता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला दी कि हर सदी पर अल्लाह इस दीन के लिए एक मुजद्दिद को भेजेगा जो दीन की तजदीद कर देगा। तजदीद से मुराद कि दीन के अंदर जो चीज़ें मिलावट कर चुकी हैं, लोगों ने इस्लाम के नाम पे जो चीज़ें मशहूर कर दी हैं, वो उनको हक से जुदा कर देगा। शिर्क और तौहीद, सुन्नत और बिदअत, इसके दरमियान लकीरें खींच देगा। अल्लाह का फ़ज़ल और ख़ास तौर पे ये मुल्क ममलकत सऊदी अरबिया, जहाँ ज़माने जहलियत की तरह कब्रों को पूजा जाता था, दरख्तों को पूजा जाता था, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी रहमत के साथ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज अता किया। वो अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पर चलते हुए फिर इस अरब की सरजमीन से उन्होंने तौहीद की दावत को बुलंद किया। अल्लाह करोड़ रहमतें करे, करोड़ बरकतें नाजिल करे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को जन्नत का बाग बनाए, जिसने तौहीद की दावत को बिल्कुल खरे अंदाज के अंदर, खालिस तौहीद को
पेश किया और मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह राजी हो, जिसने इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का साथ दिया और ये सरजमीन, ये अंबिया की सरजमीन, जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क की जड़ों को काटा था, यहां पर जब दोबारा शिर्क के बादल आए तो अल्लाह की तौफीक के साथ फिर इस सरजमीन से ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत बुलंद हुई। ये सिलसिला चलता रहा यहां तक के यहां पर इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह आए और उन्होंने भी उसी दावत की तजदीद की, उसी ला इलाहा इल्लल्लाह की खरी दावत को पेश किया। इस दावत की बुनियाद पर प्यार और मोहब्बत की फदाएं बुग्ज और अदावत के मार के बुलंद हुए, जिहाद के आलम को बुलंद किया गया और फिर सऊदी अरब को, जहां पर कबर परस्ती का रिवाज हो चुका था, इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इस धरती को पाक साफ करके अल्लाह की तौहीद को गालिब किया। आइए आज इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उससे राजी हो, अल्लाह उसकी कबर को जन्नत का बाग बनाए और अल्लाह उसकी आल औलाद को वैसे ही तौफीक दे जैसे उनके जद्दे अमजद ने यहां पर तौहीद के झंडों को गाड़ा, शिर्क की जड़ों को काटा। अल्लाह उसकी आल औलाद को भी तौफीक देता रहे जिस तरह वो तौहीद के इस बूटे को सैराब कर रहे हैं, यहां पर शिर्क को न पनपने दे। उनका रिसाला आज हम पढ़ते हैं और ये रिसाला तारीफ करने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल लतीफ बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन आले शेख रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से यमन असीर तहामा सरदाराने कबाइल मुख्तलिफ इलाकों की तरफ वो अपना ये खिताब भेजते हैं। इसका आगाज करते हैं कि हिजरत नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के इस साल यानी 1339 में इमाम आली रईस मुअज्जम सआदत मआब अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान बिन फैसल आले सऊद ने कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, मुसलमानों के लिए उनकी हिफाजत फरमाए और उनसे इसी तरह दीन की खिदमत लेता रहे, हमें आपके पास भेजा है। इमाम अब्दुल अजीज ने इनसे इनके कहने पर रिसाला लिखा और इनको इनके जरिए इस रिसाले को पहुंचाया। उन्होंने आपके पास भेजा कि हम आपको दीन इस्लाम की तालीम दें जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आप पे फर्ज किया है और आपको पाबंद बनाया है कि इस इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत, शरीयत इस्लामिया की तबाह करनी है, जिस दीन की मारिफत व बसीरत और इस दीन पे अमल करना जन्नत में दाखिल होने का सबब और जरिया है और इस दीन से दूर होना, इस दीन का फहम हासिल ना करना, इस दीन पे अमल ना करना जहन्नम में ले जाने का जरिया है। शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हमने आपके बाद इलाकों को बाज कबाइल और बस्तियों को आकर देखा तो वहां के लोग शैतान और अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे चल रहे, सरकशी और हिदायत के नूर से दूर, बाहमी इख्तलाफ का शिकार होकर मुख्तलिफ टोलियों के अंदर बढ़ चुके हैं, शुबहात की तरह बुलाने वालों की आवाज पर लब्बैक कहते हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, कब्रों की पूजा कर रहे हैं, गारों की पूजा कर रहे हैं और ये वही दीन है जिस पे ज़माने जाहिलियत के लोग थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले कुफार मक्का इसी दीन के ऊपर कायम थे, वो भी कब्रों को पूजते थे, पत्थरों को पूजते थे, दरख्तों को पूजते थे, गारों और पहाड़ों को पूजते थे। और आज भी आपके जिन कबाइल में हम गए हैं वहां पर यही सूरत हमें नजर आई। जब हमने ये सब कुछ देखा तो हुज्जत और बुरहान के साथ अल्लाह के दीन की दावत ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देना हम पर वाजिब हो गया। नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकार सहाबा कराम ताबईन क्यामत तक आने वाले लोग अल्लाह के नबी के इसी मनहज पर चलेंगे, जैसे मालिक अज़्ज़वजल का ऐलान है, कुल हाज़िही सबीली, ये मेरा सीधा रास्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता सीधा रास्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता रसूलों का रास्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता सहाबा का रास्ता है। कुल हाज़िही सबीली, मेरी सीधी राह
मेरा सीधा रास्ता यह है अदऊ इलल्लाह, कि मैं सबसे पहले अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाता हूं। सारी दावतें बाद में, सारे आवाजें बाद में, सारे प्रोग्राम बाद में, अदऊ इलल्लाह सबसे पहली दावत, लोगों अल्लाह की तरफ आओ। अला बसीरा, बसीरत के साथ, दलील के साथ, इलम के साथ, रोशनी के साथ, नूर के साथ। अना व मन तबेअनी व सुबहानल्लाही व मा अना मिनल मुशरिकीन, ये दावत अल्लाह की तरफ बुलाना, तौहीद की तरफ बुलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मेरी दावत है और मेरे पीछे चलने वालों की ये दावत है। अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। हमने अल्लाह, उसके रसूल, उसकी किताबे मुबीन, उसके मोमिन बंदों की नसीहत और खैर खाई करते हुए मुख्तलिफ कबाइल और शहरों के नाम, कुरानी आयात, अहादीस नबविया, सलफी मनहज, जब ये दावत लेकर हमने भेजी तो इन कबाइल पर जहालत का गुबार पड़ा हुआ। अक्सरियत ने, बस्ती और बादिया के लोग अक्सरियत इन अकायद को नहीं जानते। जब उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की खरी दावत पहुंची तो इन लोगों ने बजाय दावत कबूल करने के हमारे बारे में मशहूर कर दिया कि ये लोग वहाबी हैं, वहाबी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहां भी आजकल इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो इंसान तौहीद की खरी सच्ची और सुच्ची दावत देता है कि लोगों, कब्रों में दफन होने वाले ये गौस नहीं हुआ करते, ये मददगार नहीं हुआ करते, ये तो मोहताज और कलाश और भूखे और मंगते होते हैं। दाता अल्लाह है जो ये तौहीद की दावत देता है आज के दौर के अंदर भी, और अभी इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर भी तौहीद की दावत देने वालों पे एक स्पीकर लगा दिया जाता है कि ये वहां भी है। शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बाज लोग हमें वहाबी के नाम से जानते हैं, हमारे अकीदा और मनहज और मजहब से ना वाकिफ है। और यही बीमारी आज भी है इंडिया पाकिस्तान की मस्जिदों से आवाजें सुनते होंगे, वहाबियों के पास ना बैठना, इनकी बात ना सुनना, इनके करीब ना जाना, क्योंकि जो इनकी बात सुनता है वो इन्हीं का हो जाता है। अल्लाह के बंदो गौर तो करो, वो इनका क्यों होता है? क्योंकि इनके हाथ में सिवाय अल्लाह की किताब और मोहम्मद के फरमान के कोई चीज नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनाचे कुछ लोग इस दीन हनीफ से आमत नास को मुतनफर करते हैं और हमारी तरफ गलत बातें मंसूब करते हैं, लिहाजा हमने जरूरी समझा कि अपने मजहब को, अपने मनहज को, अपने अकीदे को खोल कर बयान कर दें ताकि अमान तक बात पहुंच जाए। इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद का मजहब क्या था, मनहज क्या था, उसकी दावत की बुनियाद क्या थी, किस बुनियाद पर वो जिहाद करते रहे। तो जान लीजिए हमारे अकीदे की बुनियाद, हमारी दावत की हकीकत, और जिस चीज के लिए हम जिहाद करते हैं वो दीन इस्लाम, इसके अरकान व अहकाम की पाबंदी, और जिसकी असास व बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत, ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत, अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत। ये इबादत दो असूलों पर मबनी है। पहला असूल कि अल्लाह ताला के लिए कामिल मोहब्बत अल्लाह से की जाए और कामिल आजजी दूसरा असूल, सारी मोहब्बत अल्लाह के लिए, फिर जिस जिससे अल्लाह हुक्म देता जाए उससे मोहब्बत की जाए। और दूसरा असूल क्या है, तमाम तरह की इनकसारी आजजी, ये सिर्फ एक अल्लाह के लिए होनी चाहिए। बंदा झुके तो अल्लाह के लिए, नमाज तो अल्लाह के लिए, रुकू तो अल्लाह के लिए, क़याम अल्लाह के लिए, आजजी इनकसारी बंदे को लाजिम है कि वो एक अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए करे। इबादत की मुख्तलिफ किस्में हैं जिनमें एक बड़ी अजीम किस्म पुकारना है, मांगना, पुकारना, जो इबादत की अजीम किस्म है, जिसको कुरान अजीम इबादत गिरदानता है। आइए कुरान हकीम के इन अल्फाजों पे गौर कीजिए, वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा है, वकाल रब्बुकुम, ये तुम्हारे अल्लाह का कहना है, उदउनी अल्लाह को पुकारो, अस्तजिब लकुम, तुम्हारी पुकारों को सुनने वाला, कबूल करने वाला, अता करने वाला अल्लाह है।
इन الذين يستكبرون عن عبادتي, जो अल्लाह को पुकारने के लिए अल्लाह की ये इबादत, ये पुकार जो अल्लाह की इबादत है, अल्लाह को नहीं पुकारते, तकब्बुर करते हैं, बड़ाई का इजहार करते हैं, अल्लाह को पुकारते नहीं। और इस पुकार को अल्लाह कह रहा है अन इबादती, ये पुकारना ही तो इबादत है, जो मेरी इबादत से एराज करता है। सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो अन करीब जलील होकर जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। इस किस्म की आयत कुरान हकीम में बेबहा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है अद्दुआ मुखुल इबादा। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुआ हुवल इबादा, इबादत दुआ पुकारना इबादत है, और दुआ इबादत का मगज है। हमारी दावत यह है, सुनिए इस दावत को, याद कीजिए इस दावत को, आम कीजिए। जो हमारी दावत से नवाकिफ है उन तक इन दावत के आवाज़ों को पहुंचाइए। वहां भी दावत जिसको कहा जाता है वो क्या है? डराने वाले तो डराते हैं, इनकी मजलिसों में नहीं बैठना, इनकी बात नहीं सुननी, इनके करीब नहीं जाना। लेकिन याद कीजिए हमारी दावत क्या है। हमारी दावत यह है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को छोड़कर किसी को ना पुकारा जाए, क्योंकि पुकारना इबादत है, और इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। मुश्किलात हो, मसाइब हो, फायदे का सवाल हो, तकलीफ दूर करवानी हो, फरियाद करनी हो, तो सिर्फ एक अल्लाह के लिए, कुर्बानी करनी हो तो अल्लाह के लिए, नजर नियाज देनी हो तो अल्लाह के लिए, खौफ खाया जाए कि बगैर असबाब के घर बैठे में कोई टांगे तोड़ सकता है, मौत दे सकता है, बीमारी दे सकता है, कारोबार बर्बाद कर सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये सारा इख्तियार एक अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं जो बगैर असबाब के किसी इंसान के मामलात को खराब कर सके। तवक्कुल किया जाए, उम्मीद और भरोसा किया जाए तो वह भी अल्लाह से, मदद मांगी जाए तो अल्लाह से, तलब और पनाह मांगी जाए तो भी अल्लाह से। इन तमाम चीजों में कोई एक चीज ना किसी नबी के लिए की जा सकती है, ना किसी फरिश्ते के लिए की जा सकती है, ना औलिया और सालहीन के लिए हो सकती है, क्योंकि ये अल्लाह का हक है बंदों के ऊपर के बंदे जब इबादत करें तो सिर्फ एक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की करें। हर तरह की इबादत, मोहब्बत हो, खौफ हो, रिजा हो, हर इबादत में अल्लाह को खालिस कीजिए, अल्लाह की इबादत में किसी को शामिल ना कीजिए। ये दावत, ये पैगाम, ये आवाज़ा, ये डंके की चोट पे हम देते हैं, दुनिया में हर उस इंसान तक आवाज पहुंचा दो जिनको जाहिल मौलवियों ने अपने पेट के धंधे के कम होने की वजह से डरा रखा है कि ये वहाबी है, ये गुस्ताख है, ये अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते। उन्हें सुनाइए हमारी तो बुनियादी दावत ये है कि इबादत की जितनी किस्में हैं वो खालिस एक अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए। और इसीलिए अल्लाह ने कायनात को पैदा किया। कुरान हकीम बयान फरमाता है वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, जिन और इंसानों की पैदाइश का मकसद लियाबुदून, अल्लाह की इबादत, यानी युहदून, के वो खालिस अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करें। अंबिया का अपनी उम्मतों से जो झगड़ा हुआ वो झगड़ा बुनियादी हर नबी का अपनी उम्मत के साथ यही था कि वो अल्लाह की इबादत में गैर को शरीक किया करते थे। कुरान हकीम बयान फरमाता है वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मति रसूला, हर उम्मत में रसूलों को हमने भेजा बुनियादी दावत देकर अन इबादुल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, वज्तनिबुत तागूत, तागूत का इनकार कर दो, तागूत की इबादत से बचो। एक और मकाम पे मालिक ऐलान करता है वमा अरसलना मिन कबलिका मिन रसूल इल्ला नूही इलैही अन्नहू ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। ए नबी अलैहि सलातु वस्सलाम,
हमने आप से पहले जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, हर रसूल की तरफ एक वही की गई, बुनियादी दावत, बुनियादी मनहज, बुनियादी आवाज़ा, बुनियादी अकीदा। हमने उस नबी को क्या सिखाया कि लोगों को कहना अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं। इला अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह, रिजक देने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, ये तमाम सिफात इला की एक अल्लाह के अलावा किसी और में नहीं है। जब नहीं है तो तुम्हारे ऊपर वाजिब क्या है? फाइबुदूर, सजदा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, नजर अल्लाह के लिए, नियाज अल्लाह के लिए, इबादत अल्लाह के लिए। अल्लाह की इबादत में ना वली को शामिल करो, ना अली को करो, ना नबी को करो। मालिक अज़्ज़ा वजल के आवाज़ों पे गौर कीजिए, कुरान की आयात को दिल में उतारिए, और ये बुनियादी दावत है हमारी, और ये बुनियादी दावत है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, मस्जिदें तो अल्लाह का घर है, अल्लाह की मस्जिदों में गैरों को ना पुकारो। इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह अपनी दावत को खड़ा करके आया कर रहे हैं, लोगों हमें समझना है, हमारी तहरीक को समझना है, हमारी दावत को समझना है, तो याद कर लो वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मस्जिदें किसकी हैं? अल्लाह की मस्जिद में या अली मदद का नारा नहीं लग सकता, अल्लाह की मस्जिद में या रसूलुल्लाह मदद का नारा नहीं लग सकता, अल्लाह की मस्जिद में या अब्दुल कादिर जिलानी मदद का नारा नहीं लग सकता, ये मस्जिद अल्लाह की है। फला तदउ मअल्लाह अहदा, तो अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। लिहाजा जिसने अल्लाह के अलावा किसी गैर हाजिर या फौत शुदा इंसान को पुकारा, इससे फरियाद तलब की, वो काफिर और मुशरिक है, क्योंकि वो इबादत की अजीम तरीन किस्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हटाकर गैरुल्लाह की तरफ कर रहा है। भले उसका मकसद अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना हो, शफाअत तलब करना हो, इस उम्मत की एक बड़ी तादाद वसीले और शफाअत के नाम पे उस शिर्क में मुबतला है जिस शिर्क के अंदर अबू जहल की कौम मुबतला थी। शफाअत और शिर्क के नाम पे जैसे उस दौर में शिर्क मौजूद था, आज भी शफाअत और वसीले के नाम से, तकर्रुब के नाम से इस उम्मत के अंदर भी शिर्क दाखिल हो चुका है। ये अल्लाह से हटकर गैरुल्लाह पर तवक्कुल करती है, गैरुल्लाह पर भरोसा करती है, इस्तलाहात का नाम बदल देने से मानी और मफहूम नहीं बदला करते। शैतान ने जब जान लिया के मुशरिकीन के आमाल और फाल को इबादत और बंदगी का नाम देने से लोग इनकार करते हैं, तो उसने मुशरिकीन के आमाल, उनकी इबादत को एक खूबसूरत रंग के अंदर ढाल कर दीन के नाम पर मुसलमानों के सामने पेश कर दिए। लेकिन नाम बदल दो, चीज वही रहे, उसका हुक्म भी वही रहेगा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पियेंगे, नाम बदल देंगे, शराब पिएंगे, नाम बदल देंगे। तो नाम बदल के किसी और नाम से शराब पी जाए, वो शराबी ही रहेगा। जिना करने वाला जिना करे लेकिन उसको नाम निकाह का दे दे कि हमने आप इसमें इजाबो कबूल खुद ही कर लिया, दो मिनट के लिए, दो मिनट से लेके दस घंटे तक हमारे यहां जायज है, वो निकाह का नाम दे दे लेकिन अल्लाह के यहां वो जिना ही रहेगा। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदला करती, और इसकी वजाहत कुरान हकीम के अंदर मालिक के इस कौल में मौजूद है। यहूद और नसारा के बारे में मालिक फरमाता है, इत्तखदु अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, यहूद और नसारा ने अपने दरवेशों और सूफियों और मौलवियों को, उलमा को अल्लाह के मुकाबले पर रब बना लिया था। इमाम अहमद इमाम तिर्मिज़ी रिवायत फरमाते हैं कि हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा, जो ज़माने जहलियत में ईसाइयत कबूल कर चुके थे, मुसलमान हुए, नबी के पास हाजिर हुए, अल्लाह के नबी ये आयत की तलावत कर रहे थे, इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, यहूद व नसारा ने अपने मौलवियों को,
अपने दरवेशों को अल्लाह के मुकाबले पर रब बना लिया तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने आलिम और दरवेशों को उनकी इबादत तो नहीं की, हमने उनको इलाह और रब का नाम नहीं दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्यों नहीं? उन्होंने उनके लिए हलाल को हराम ठहराया और हराम को हलाल ठहराया, यही तो उनकी इबादत है। इबादत का लेबल ना भी लगाओ, उन्हें तुमने ये इख्तियार दे दिया, वो हलाल करदा चीज को हराम कर दे, हराम करदा को हलाल कर दे, जो उनको ये इख्तियार दे दे वो इबादत का स्टिकर इलाह का लेबल ना भी लगाए तो मोहम्मद करीम फरमाते हैं यही तो इबादत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि अहले किताब यहूद और नसारा ने हराम को हलाल और हलाल को हराम करने में अपने उलमा और दरवेशों की इताअत की थी और इन्हीं के बारे में मालिक अज़्ज़ा वजल ने आयत में खबर दी, वरना उन्होंने अपने इलाहों और अपने दरवेशों और आलिमों को इलाह नहीं कहा था, रब नहीं कहा था। ये नाम ना भी दिया जाए, नाम बदल दो, लेकिन अगर काम वही किया जाएगा तो उसका मकसूद भी वही रहेगा। इसीलिए अदी बिन हातिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है अल्लाह के रसूल, हमने उनकी इबादत तो नहीं की। किसी भी चीज का हुक्म उसकी हकीकत के ताबे होता है। इसकी वजाहत सही हदीस में है। इमाम तिर्मदी रहिमहुल्ला अबू वाकद लेथी रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा से रिवायत करते हैं और इसे सही करार देते हैं। वो बयान करते हैं कि हम जंगे हुनैन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, बेरी के एक दरख्त के पास से गुजरे, नाम अगर ना भी हो हकीकत वही रहे, नाम के बदलने से हकीकत नहीं बदला करती। मुशरिकीन मक्का अपने बुतों की पूजा करते थे, उनके सामने नजर नियाज देते थे, आज हम वसीले और शफात के नाम पे सारे वो काम करते हैं, अगर नाम वो नहीं हकीकत तो वही है। कहते हैं जंगे हुनैन में हम अल्लाह के नबी के साथ थे, मुशरिकीन का एक दरख्त बेरी का दरख्त उसके पास से गुजरे और ये वो दरख्त था जिसके पास मुशरिकीन मक्का आकर खड़े होते थे, अपना असलहा लटकाते थे, बरकत की उम्मीद रखते थे। चूंकि हम नए नए मुसलमान हुए थे, हमने भी कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा ये मुशरिकीन मक्का का दरख्त है हमारे लिए भी एक दरख्त बना दो। जैसे मुशरिकीन मक्का यहां पर असलहा टांगते हैं, इसकी छांव में रुकते हैं, ठहरते हैं, बरकत की उम्मीदें रखते हैं, हमारे लिए भी एक दरख्त बना दो, हम भी वहां पर आकर अपने असलहा टांगे, बरकत की उम्मीदें रखें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु अकबर, तुमने तो वही जुमला कहा जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था कि ए मूसा, जिस तरह इन मुशरिकीन के माबूद हैं तो हमारा भी एक माबूद बना दे, जिस तरह मुशरिकीन के माबूद हैं तो हमारा भी एक माबूद बना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा यकीनन तुम जाहिल हो, तो तुम भी जरूर सबका उम्मतों के तरीकाकार को अपनाओगे। इस वाके के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दरख्त मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया। क्या वो नहीं जानते थे कि उनका ये मुतालबा ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनाफी है, लेकिन उनकी इस नावाकफियत से इस अमर की हकीकत का हुक्म तब्दील नहीं हुआ। वो ये जानते नहीं थे, लेकिन उनके नावाकफियत से वो हुक्म बरकरार रहा। आज भी अगर कोई गैरुल्लाह की पूजा करता है, उसकी पूजा का हुक्म वही बरकरार रहेगा। जिस शख्स के पास इतनी मारिफत हो कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम को क्या पैगाम देकर भेजा, उसे यह भी मालूम होगा कि कब्रों के पास जो काम किए जाते हैं, हमारे यहां कब्रों के पास क्या कुछ नहीं होता, हाथ बांधकर किबला उस तरफ है, कब्र इस तरफ है, किबले की तरफ, कब्र की तरफ मुंह करके क़याम किया जाता है या नहीं, दुआ की जाती है या नहीं, रुकू होता है या नहीं, सजदे होते हैं, उसकी खबर को चूमा जाता है, उसकी दहलीज पे माथे लगाए जाते हैं, कब्रों के पास जो काम किए जाते हैं, कब्रों में मदफून हस्तियों को पुकारा जाता है, आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेकर जाएंगे, इनसे फरियाद तलब करना
इनकी कब्रों के पास क़याम करना, इनके लिए सजदा करना, नजरो न्याज देना, हज करके फोन करना, अब्बा जी हज कर लिया लेकिन बुखार नहीं लै रहा, दाता साहब की दरबार से देख चढ़ाओ, शायद मेरा बुखार लै जाए। हज कर लिया लेकिन देख कितने चढ़ाओ, हज यहां का किया देख वहां चढ़ रही है। कब्रों के पास क़याम, कब्रों पे रुकू और सजदे, कब्रों पे नजर और न्याज, ये सब काम यहूद और नसारा के अपने उलमा और दरवेशों को रब बना लेने से ज्यादा बड़े हैं। यहूदियों और ईसाइयों ने तो सिर्फ हलाल और हराम में अपने मौलवियों की बात माननी थी, जो मौलवी साहब ने कह दिया उसके पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन जो अल्लाह को छोड़कर कब्रों के पास क़याम करता है, अल्लाह की इबादत में शिर्क करते हुए सजदे करता है, रुकू करता है, नजर न्याज देता है, उसका ये जुर्म यहूदियों के जुर्म से बड़ा है और उनका ये कौल इस कौल से ज्यादा खतरनाक है कि हमारे लिए भी एक बेरी का दरख्त बना दो जहां पर हम असलहा टांगा करें। बाज़ उलमा रहिमहुल्लाह का कौल है कि जब इस दरख्त को असलहा लटकाने, इसके पास क़याम करने खास ये तलब जब किया तो ये उसको माबूद बना लेना है, हालांकि ना उन लोगों ने ना उस दरख्त के लिए, ना उस दरख्त की इबादत की, ना उस दरख्त का तवाफ किया, ना उस दरख्त के लिए सजदा किया, ना उस दरख्त के लिए ज़िबा और कुर्बानी की, सिर्फ यही कहा था हमारे लिए भी एक दरख्त बना दो जिस पे हम अपने असलहा लटकाएं। तो जब इतना कहना उस दरख्त की इबादत करार पाएगा तो अल्लाह के लिए सोचिए, जब बुजुर्गों की कब्रों पे खड़े होके क़याम भी हो, रुकू भी हो, सजदा भी हो, तवाफ भी हो, नजर भी हो, न्याज भी हो, कुर्बानी भी हो, खून का बहाना भी हो, मांगना और दुआ करना भी हो, तो क्या ये अल्लाह की इबादत में शिर्क नहीं है? क्या ये उनको अल्लाह के बराबर कर देना नहीं है? क्या उनको रब बनाने के बराबर नहीं है? अल्लाह तो यहूद और नसारा के इतने जुमले पर कि उन्होंने हलाल और हराम के अंदर अपने मौलवियों को इख्तियार दे दिया था, अल्लाह ने कहा इन्होंने अपने मौलवियों को रब बना लिया और हम अल्लाह को छोड़कर जिनकी कब्रों पर सजदे करें, नजर न्याज दें, क्या इन कब्र वालों को रब बनाना नहीं है? काश अहले शिर्क और बिदअती इस हकीकत को जान ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की हिफाजत की, शिर्क दर जाने वाले हर जरिए का सद्देबाब किया, इसलिए सही हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुतना बनाना, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युअबद, मेरी कब्र को बुतना बनाना कि लोग मेरी पूजा करें। अल्लाह का सख्त गजब नाजिल हुआ, अल्लाह का सख्त अज़ाब नाज़िल हो उस कौम पर जिसने अपने अंबिया की खबरों को मस्जिदें बना लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पे चराग जलाने से मना किया। देखा होगा अपने दरगाहों दरबारों पे तेल का दिया जल रहा है, देसी घी का दिया जल रहा है, और दरबार पे बैठे हुए बेईमान जब तावीज़ देते हैं उनसे पूछो जी किन्नी, कुछ नहीं हो, तेल पवा दी, 125 रुपये का तेल पवा दी उसे। वो कहता है कि ईमान इसके पल्ले में ना रहे, ये नजर गैरुल्लाह की दे और मुशरिक हो गई जाए यहां से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पे चरागा करने से मना किया। कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर, कब्रों पर मस्जिदें बनाने वाले, उन पे चरागा करने वाले लोगों पर अल्लाह की लानत हो। और यह हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, चरागा से मना करने वाली हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने कब्रों को मेला गाह बनाने से मना किया। ये हदीसें लाकर इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह इस हकीकत को वाज़े कर रहे हैं कि वहां भी दावत है क्या? हमारे बारे में अवाम को मुतरफर किया जाता है, गौर तो करो, हमारी दावत एक अल्लाह की इबादत और मोहम्मद करीम की तबाह के अलावा कुछ नहीं है। हमारे हर मसले पर दलील ना पीर और मुल्ला की, ना मौलवी और शेख की, दलील किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने कब्रों पर मेला गाह बनाने, इन पर इमारत तामीर करने से मना किया, बुलंद कब्रों को जमीन से बराबर करने का हुक्म दिया। सही मुस्लिम में है, एक शख्स एक ताबई अपने शागिर्द से कहते हैं,
क्या मैं तुझे वो काम ना दूं जो मुझे हजरत अली ने कहा था कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मैं पक्की कब्रों को जो मुझे मुजस्मा मिले उसको तोड़ दूं और बुलंद कब्र नजर आए तो जमीन से मिला दूं। हजरत अली ने उनसे कहा क्या मैं तुम्हें उस काम के लिए रवाना ना करूं जिस काम के लिए मुझे रसूलुल्लाह सल्लम ने रवाना किया, हर मुजस्मे को तोड़ दूं और हर ऊंची कब्र को जमीन के बराबर कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता करने और उन पे लिखने से मना किया। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। हमारे यहाँ कितनी कब्रों पे मरते ही संगे मरमर पे खुदाई के लिए आर्डर पहले चला जाता है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने कब्रों पर लिखने से मना किया। इमाम अब्दुल अजीज आल सऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसलिए हम कब्र वालों के बारे में गुलू करने इनकी तहजीम करने से मना करते हैं कि इनकी तहजीम जो इनको रब बना देती है ये तहजीम गुलू है कि इन पे सजदा किया जाए, इन पे चरागा की जाए, इन पे चादरें चढ़ाई जाए, इन पे मेले लगाए जाए, इन पे उर्स किया जाए, इनको पुकारा जाए, तुम इसको तहजीम का नाम देते हो। हकीकत में ये तहजीम इन मुर्दों को अल्लाह बनाने के बराबर है। इसीलिए हम कब्रों पे बने हुए कुब्बों को गिरा देते हैं, इमारतें और कुब्बे मुनहदिम कर देते हैं। अल्लाह करोड़ हर रहमतें करे इमाम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पर जिसने इस धरती को कब्र परस्ती से पाक करके रख दिया। इसीलिए हम पक्की कब्रों को तोड़ते हैं, कब्रों पे बने हुए कुब्बों को गिरा देते हैं। और याद कर लीजिए, बात बड़ी कड़वी है लेकिन हकीकत कड़वी हुआ करती है। अहले ईमान, अहले तौहीद जहां भी उनकी हकूमत कायम होती है वो सबसे पहले कब्र परस्ती को साफ करके धरती को शिर्क से पाक करके अल्लाह की इबादत के लिए साफ कर देते। वो क्या दीन है जहां पर आने के बाद दरगाह बाकी रहे, दरबार बाकी रहे, कब्र बाकी रहे, पूजा बाकी रहे, मेले बाकी रहे, लकीरानी सर्कस लगती रहे और हम कहें जी माशाल्लाह हम बड़े ठीक ठाक हैं। जब तक कब्र परस्ती का शिर्क मौजूद रहेगा वो धरती वो मकान अहले तौहीद की जिम्मेदारी बाकी रहेगी कि लोगों को इन कब्रों की पूजा से हटाकर अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाओ। ये अशिया अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत जरूरी करार दे दी गई ये अशिया उन लोगों की इजाद है जिनका मकसद शुरू में इन अशिया की तकरीम और तहजीम था। फिर वो नस्ल गुजर गई, अगली नस्ल आई तो उन्होंने अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत करना शुरू कर दी, इनसे मुश्किलात और मसाई में निजात तलब करना शुरू कर दी, इनको अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझ लिया। और अजब ये कि उन्होंने इस खतरनाक शिर्क को ऐन इबादत और दीन करार दे दिया। और जो कब्रों की पूजा से मना करे, मेले लगाने से मना करे, हमारे यहाँ क्या कहते हैं ये बड़ा गुस्ताख है जी भाभी, ये बड़ा बेईमान है, गुस्ताख है, ये बुजुर्गों की कब्रां तो चादर चढ़ाने तो मना करता है। जो हकीकत में मुहम्मद करीम की दावत देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गुस्साख कहा जाने लगा, उनको बेदीन कहा जाने लगा, उनको ला मजहब कहा जाने लगा। और हकीकत में जो तौहीद की दावत देता है वो मुहम्मद करीम के मजहब पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हर दौर में और हर जगह पर अपने दीन का हामी और नासिर है लेकिन जब से हक और बातिल दोनों गिरोहों का वजूद हुआ तो अपने गिरोह अहले हक का अल्लाह अज़्ज़ा वजल इम्तहान और आजमाइश के दौर से गुजारता है, देखता है मेरा बंदा मेरे लिए क्या कुर्बानियां देकर आता है। हमारा जो अकीदा है जिस पर हम अल्लाह की बंदगी करते हैं वो ये है कि अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी नाज़िल करदा किताबों पर, उसके रसूलों पर, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर कि अल्लाह की जानिब से है उस पर ईमान रखा जाए। हम अल्लाह के अस्मा और सिफात पर भी ईमान लाते हैं कि उसकी अजमत और जलालत के शायान शान किसी मखलूक से तशबीह दिए बगैर इन अस्मा और सिफात को अल्लाह के लिए साबित करते हैं और किसी सिफ्त को बेमाना किए बगैर जो बातें इसके शायान शान नहीं इससे उसको पाक और मुनज़्ज़ा करार देते हैं। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अरश पर मुस्तवी है, मखलूक से बुलंद बाला, उसका अरश आसमानों से ऊपर है,
आसमानों के ऊपर अल्लाह का अरश, अरश पे अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुस्तवी है, और इसकी दलील हमारी हर बात की दलील या कुरान से मिलेगी या फरमान मोहम्मद पाक से मिलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में अल्लाह कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी है। इस्तवा पर हम ईमान रखते हैं, इस हकीकत को मानते हैं कि अल्लाह मुस्तवी है अपने अर्श पर। इसकी कैफियत कैसे है वो अल्लाह के इलम में है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, एक शख्स ने अल्लाह के अरश पर मुस्तवी होने के बारे में पूछा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और यही हमारा मजहब और मनहज है, यही इस्लाम की दावत है कि अल्लाह अपने अरश पर मुस्तवी है। ये हकीकत हमें मालूम है, इस पर ईमान लाना वाजिब है, इसके बारे में कुरेदना सवाल करना बिदअत है। इसकी कैफियत मजहूल है, हमें उसकी तरह नहीं है। कैसे अल्लाह अपने अरश पे है? जैसे उसकी शान को लायक है। इसी तरह अल्लाह सुबहानहु व तआला के जुमला अस्मा सिफात के बारे में हमारा अकीदा है कि उन लफ्जों पर ईमान रखा जाए, उसकी हकीकत को तस्लीम किया जाए, और उसकी कैफियत का इलम अल्लाह के पास है। इस सिलसिले में हमारा एतकाद ये है, अल्लाह ने अपने लिए जो सिफात बयान फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लम ने उसकी जो सिफात बयान फरमाई, हम इन तमाम सिफात को अल्लाह की सिफात मानते हैं, कुरान और हदीस से तजावज नहीं करते। जिसने अल्लाह को उसकी मखलूक से मुशाबे करार दिया, जिसने अल्लाह को उसकी मखलूक जैसा बनाया, मखलूक के साथ तशबीह दी, वो शख्स काफिर है। और जिसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की किसी एक सिफ्त का भी इनकार किया, वो भी काफिर है। कुरान हकीम में मालिक का ऐलान है लैसा कमिस्लिही शै वा हुवस समीउल बसीर, अल्लाह की कोई मानिंद और मिसाल नहीं, इसकी मिसल कोई चीज नहीं, वो सुनने वाला देखने वाला है। पाक है वो ज़ात जिसका ना कोई हम नाम और हम पल्ला है, ना कोई हम सर है, वो अपने आप को और दीगर दवात को भी सबसे ज्यादा जानने वाला है, और वो अपनी मखलूक में अपनी तमाम मखलूक से सच्चा और बात में सबसे अच्छा है। हम इस हदीस पर भी मान रखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर रात जब एक तहाई बाकी रह जाती है आसमान दुनिया पे नजूल करता है। कैसे करता है? जैसे उसकी शान को लायक है, और वह आवाज लगाता है कोई बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसे बख्श दूं, मांगने वाला अता कर दूं, गुनाहों से माफी मांगने वाला उसके गुनाहों को माफ कर दूं। और हमारा ये अकीदा है कि कुरान अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है, उसी के पास से नाज़िल हुआ, और ये कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह के पास से आया फिर उसी के पास लौट जाएगा। अल्लाह ने हकीकत में इसके साथ कलाम फरमाया, जिसको जिब्राइल ने सुनकर, अल्लाह से सुनकर रसूलुल्लाह तक पहुंचाया। हम अशारा और दीगर अहले बिदत के कौल को तस्लीम नहीं करते, और ये ईमान रखते हैं कि अल्लाह जिस चीज का इरादा फरमाता है उसे कर गुजरता है। कोई भी चीज उसकी कदा कदर से ही वजूद में आती है, तकदीर से कोई नहीं बच सकता, और ना ही लोहे महफूज में जो कुछ लिखा जा चुका है इससे आगे बढ़ने की गुंजाइश है। हम वईद पर मुस्तमिल आयात और अहादीस से साबित अहादीस पर ईमान रखते हैं, रसूलुल्लाह से जो अहादीस साबित हैं और जो आयात कुरानी है हमारा उस पर ईमान है। हम अहले कबाइर कबीरा गुनाह करने वाले किसी भी मुसलमान के लिए हमेशा हमेशा जहन्मी होने का फतवा नहीं लगाते, जैसे कि खवारिज और मोतजिला लगाते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस साबित है। आपने फरमाया जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर भी ईमान होगा उसे जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। तो कबीरा गुनाह करने वाला कभी भी हमेशा की जहन्नम में नहीं रहेगा, बल्कि उसको अल्लाह के नबी सल्लम की उम्मत में से जो अहले कबायर हैं उन्हें आपकी शफाअत और दीगर मलाइका की शफाअत, दीगर अंबिया की शफाअत से बिलाखिर निकाल लिया जाएगा। हम मुतलक अहकाम की कुरेद में नहीं जाते, बल्कि यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला अहले कबाइर में जिसे चाहेगा जहन्नम में दाखिल करेगा, जबकि दूसरे गुनाहगार बयास ऐसे असबाब की वजह से जहन्नम से बचा लिए जाएंगे जो दखूल जहन्नम से माने हो, जैसे गुनाहों को मिटा देने वाली नेकिये, दुनिया में आजमाइशें और तकलीफें आती हैं जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हम ये भी अकीदा रखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जो करता है इसमें हिकमत और असबाब होते हैं, और वही असबाब का खालिक है। रसूलुल्लाह सल्लम ने जिन लोगों के जन्नती या जहन्नमी होने की शहादत दे दी, उसके अलावा हम किसी के जन्नती और जहन्नमी होने की शहादत नहीं देते, क्योंकि उसके बातिन की हकीकत का इलम किसको है?
अल्लाह अज़्ज़ा वजल को, और जिस हालत में इसकी मौत हुई हम उसका अहाता नहीं कर सकते, अल्लाह जानता है वो किस हाल में मरा है। अलबत्ता नेक लोगों के लिए अल्लाह से रहमत का सवाल करते हैं और गुनाहगारों पर उसके अजाब से डरते हैं। हम अहले किबला में से किबला बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने वाले, हम अहले किबला में से किसी मुसलमान के शिर्क के अलावा किसी गुनाह की वजह से उसे काफिर नहीं कहते। हाँ, अहले किबला अगर अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो ये इतना बड़ा गुनाह है जिससे वो शिर्क करके काफिर हो जाता है, उसके इस्लाम का फंदा उसके गले से निकल जाता है, और ना ही किसी कबीरा गुनाह के इर्तिकाब के सबब उसे दार इस्लाम से खारिज तसव्वुर करते हैं। नबी सल्लम ने मौत के बाद पेश आने वाले जिन मराहिल की तस्दीक इतला दी, हम उन सब की तस्दीक करते हैं और ईमान रखते हैं कि कब्र का इम्तहान और आजमाइश, इसमें होने वाले अज़ाब और राहत और आसाइश सब बरहक है। कब्र या जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा है, ये अल्लाह के नबी ने इतला दी है, हमारा इस पर ईमान और अकीदा है। रूहें अपने अपने जिस्मों में लौटाई जाएंगी और लोग क़यामत के दिन महशर के मैदान की तरफ भागेंगे, नंगे उठेंगे, नंगे पांव होंगे, गैर मख्तून होंगे, सूरज उनके करीब होगा जिनसे वो अपने पसीने के अंदर डूबे होंगे, मेज़ान नसब किए जाएंगे, लोगों के नाम अमाल बखेर दिए जाएंगे, कुछ लोगों का नाम अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारा नाम अमाल हमारे दाएं हाथ में दे। कुछ लोगों का नाम अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें उन बदनसीबों में शामिल ना फरमाना। हम अपने नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के होदे को सर पर ईमान रखते हैं और इस पर भी कि जहन्नम के ऊपर पुले सिरात नसब होगा और लोग अपने अपने अमल के मुताबिक इसके ऊपर से गुजरेंगे। हम नबी करीम की शफात पर भी ईमान रखते हैं और इस पर भी कि आप सबसे पहले शफात फरमाएंगे और सबसे पहले आप ही की शफात कबूल होगी। आपकी शफात का मुनकर गुमराह और बिद्दती है। अलबत्ता ये शफात अल्लाह की इजाज़त से होगी, रजामंदी से होगी, जैसे कुरान हकीम में मालिक का ऐलान है, वला यशफ़ऊना इल्ला लिमन इर्तदा, वो शफात नहीं करेंगे मगर उसी के लिए जिसके लिए अल्लाह राजी होगा। क़यामत के दिन शफात का असूल सुन लीजिए, वो शफात करने वाले अंबिया हो मलाइका हो, शफात उसके लिए होगी जिसके लिए अल्लाह राजी होगा। कुरान हकीम में मालिक ऐलान करता है, वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैआ इल्ला मिन बादी अन यअज़न अल्लाह लिमन यशाउ व यरदा, कितने ही आसमानों में फरिश्ते हैं जिनकी शफात कुछ फायदा नहीं देगी मगर जब अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाजत दे दे और रजामंद हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल को सिर्फ तौहीद पसंद है, शिर्क अल्लाह को पसंद, अल्लाह को तौहीद पसंद है, इसीलिए शफात की इजाजत भी सिर्फ अहले तौहीद के लिए होगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा रसूलुल्लाह सल्लम से अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी आपकी शफात का सबसे बड़ा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, जिसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार। अब सोचे, जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह को मान ले वो कब्रों पर सजदा करता है, वो कब्रों का तवाफ कर सकता है, वो गैरुल्लाह को पूजता है, वो गैरुल्लाह के नजरों नियाज देता है, वो गैरुल्लाह से मदद मांगता है। जो अल्लाह पर रावी हो गया वो सारे जहान वालों से कटकर अल्लाह का बन जाता है। इसीलिए शफात अल्लाह की इजाजत से सिर्फ अहले तौहीद के लिए होगी। मुशरिकीन को इन शफात का कोई फायदा, कुरान हकीम बयान फरमाता है, फमा तनफउहुम शफाअतु शाफईन, के अहले शिर्क को शफात करने वालों को की शफात मुशरिकीन को कोई फायदा नहीं दे सकेगी। हमारा ये भी ईमान है कि जन्नत अल्लाह ने पैदा फरमा चुकी फरमा दी है, इस वक्त मौजूद है, अल्लाह इसे अपने मुत्तकी अतात गुजार बंदों को बतौर इनाम देगा, और जहन्नम को भी अल्लाह ने पैदा फरमा दिया है और इस वक्त मौजूद है, अल्लाह इसे काफिरों और नाफरमानों से भरेगा। हमारा ये भी ईमान है कि अहले ईमान अहले तौहीद जन्नत के अंदर अपनी आंखों से अपने अल्लाह का दीदार करेंगे, जैसे चौदहवीं के रात को चमकते हुए चांद को देखते हैं, अल्लाह का दीदार करने में इन्हें कोई दुश्वारी
नहीं होगी। कुरान हकीम मालिक का ऐलान है, वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने अल्लाह की तरफ देख रहे होंगे। अल्लाह तुझे प्यारे चेहरे का वास्ता, तुझे तेरे अजीम चेहरे का वास्ता, हमें जन्नत की सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे अजीम नेमत से महरूम ना करना, हमें अपने चेहरे का दीदार अता फरमाना, हमें उन खुशनसीबों में शामिल फरमाना जो ईमान से सकून की हालत में बगैर फितने के तेरे अजीम चेहरे का दीदार करें और अहले जन्नत में शामिल हों। अल्लाह मालिक का ऐलान है, लिल्लज़ीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन्होंने अच्छे अमल के लिए, जिन्होंने दुनिया में अच्छे अमल किए उनके लिए अल्लाह की जन्नत है और मजीद भी उनको अता होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद से साबित है, आपने फरमाया इस आयत में हुस्ना से मुराद जन्नत और ज़ियादा से मुराद अल्लाह के अजीम चेहरे का दीदार है। اللهم اجعلنا منهم فمعهم وفيهم, اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا۔ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول, آپ کی امت میں سب سے افضل ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی, پھر بدر والے, پھر بعثہ رضوان والے, اور پھر اس کے بعد چار خلفاء کے بعد عشرہ مبشرہ, پھر اہل بدر, پھر بعث رضوان والے, اور پھر آپ کے تمام صحابہ, اللہ ان سب سے راضی ہو۔ ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, عقیدت کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ کی رضا مندی کی دعا کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور بخشش کا سوال کرتے ہیں, اور ان کے درمیان ان کے فضائل بیان کرتے ہیں, ان کے درمیان جو اختلاف ہوئے ہم اس پر خاموشی کرتے ہیں, ہم اس پر کیڑے نہیں نکالتے, نقطہ چینی نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابہ اللہ کے پاس جا چکے, ان کے آپس کا جو اختلاف ہے حق پھر بھی انہی کے پاس تھا, ہم اس پر خاموشی کا اظہار کرتے ہیں۔ امہات المومنین, ازواج مطہرات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویے ہر برائی سے پاک و مبرہ ہیں, ہم ان کے لیے بھی اللہ کی رضا مندی کا دعا کرتے ہیں, اور ان میں سب سے افضل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور اس سلسلے میں زیدیہ فرقہ اور دیگر بدعتی جو حضرت عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں, حضرت عائشہ کی طرف برائی کی نسبت کرتے ہیں, ہم ان سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں, ان ظالموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ہر امام حاکم کی سرپرستی میں جہاد کا فریضہ ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں, خواہ وہ امام اچھا ہو یا برا, یہ فریضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اس امت کی آخری جماعت دجال سے جہاد نہ کر لے۔ ہم مسلمانوں کے آئمہ و حکام کی سماع و طاعت واجب سمجھتے ہیں, خواہ وہ اچھے ہو یا برے, جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل بدعت سے کنارہ کشی اور اجتناب واجب ہے, نیز دین کے نام پہ ایجاد اور بدعات نیا کام یہ بدعت ہے, اور ہم بدعت سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ قدرت و استطاعت رکھنے والے ہر شخص پر اس کی طاقت کے مطابق برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو تم میں سے جب کوئی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے روکے, زبان کی طاقت نہیں تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے, اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے, ارکان پر عمل کرنے اور دل سے اعتقاد رکھنے کا نام ہے۔ زبان سے اقرار, دل سے یقین, اور پھر اسلام کے ارکان پہ عمل کرنا, یہ ایمان ہے۔ یہ نیکی سے بڑھتا ہے, گناہ کرنے سے گھٹتا ہے۔ ایمان کے 60 سے زائد یا 70 سے زائد درجے ہیں, اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کے اقرار, اور سب سے آخری درجہ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل نے رسول انبیاء, خاتم الانبیاء و مرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دین اسلام کی تکمیل کر دی, جیسے قرآن مالک کا اعلان ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں نے آج تم پہ اپنا دین پورا کر دیا, اپنی نعمت کا اتمام کر دیا, اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین اسلام کو مکمل فرما دیا اور آپ نے دین کی پوری پوری تبلیغ کر دی, تو اللہ نے آپ کی روح قبض کر کے آپ کو وفات دے دی۔ اب آپ دنیا میں موجود نہیں ہو بلکہ فوت ہو گئے, اللہ کے دربار میں جا چکے ہو۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب مخلوقات میں, تمام مخلوقات میں سب سے بلند ہے۔ آپ اپنی قبر میں زندہ ہو, آپ کی یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے, دنیا کی
आपको सलाम किया जाए, आप सलाम को सुनते हो, लेकिन कैफियत का हमें इलम, वो आखरत की जिंदगी है, बरज़ख की जिंदगी है, हमारे और उनके दरमियान पर्दा है। ये जिंदगी शुहदा की जिंदगी से ज्यादा अफजल है, लेकिन कैसी है उसका इलम अल्लाह के पास है, वो अगले जहान की जिंदगी है। बहरहाल मजमूई तौर पर किताब व सुन्नत में साबित जुमला सिफात के बारे में हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। इन सिफात पर हम ईमान रखते हैं, वो जिस तरह वारिद हुई उसी तरह उनको तस्लीम करते हैं, यानी उनके हकाइक को साबित मानते हैं, तब्दील नहीं करते। जहाँ तक हमारे मसलक की बात है तो हम अहकाम और फरूई मसाइल में इमाम अहले सुन्नत अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर है, लेकिन जब कभी अल्लाह के रसूल सल्लम की हदीस आ जाए और हम अल्लाह के नबी सल्लम की सही सुन्नत हमें पहुंच जाए, फिर हम किसी के कौल की परवाह नहीं करते, कौन क्या कहता है कौन क्या कहता है, हम सारों के कौल को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने सीने से लगाते हैं, क्योंकि हमारे दिल में जितनी मोहब्बत रसूलुल्लाह की सुन्नत की है, इतनी मोहब्बत किसी इमाम के कौल की नहीं है। यही हमारा अकीदा है, इसी पर हम अल्लाह की बंदगी करते हैं। अगर किसी ने इसके खिलाफ हमारे बात हमारी तरफ कोई बात मंसूब की या हम पर झूठ बांधा, तो उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की, सारे लोगों की लानत हो। उसका कोई अमल अल्लाह कबूल ना करे, कोई फिदिया कबूल ना करे। हमारा और उसका हिसाब क़यामत के दिन होगा, जिस दिन छुपी हुई बातें और दिलों के भेद खोले जाएंगे। ये वो दावत, ये वो रिसाला जो इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में लिखवा कर तमाम सरदारान कबाइल की तरफ भेजा कि हमारी दावत ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत है। लोग हमारी दावत से मुतनफर करने के लिए उल्टे सीधे नाम लगा देते हैं, ये वहाबी दावत है, ये फलां है, ये मुनकरीन है, ये उलिया को नहीं मानते, ये इमामों को नहीं मानते। हकीकत में हमारी दावत क्या, लुबलुबाब क्या है? ए लोगो, पूजो अरश वाले को, पूजने का तरीका पूछो तो मदीने वाले को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हमारी सियाहकारियों को माफ़ फरमाए, हमें ज़िंदा रखे, ईमान पे रखे, और हमें मौत दे तो इस हाल में दे कि अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अल्लाह से राज़ी हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल ग़फ़ूरुर रहीम।